मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मेरा प्यारा नमस्कार। आज एक विशेष दिन है। कौन सा दिन मालूम है? मातृ दिवस, मदर्स डे। का मतलब है हमारी माँ को स्मरण करने के लिए परमेश्वर ने एक दिवस को दिया है। यीशु अपनी माँ से बहुत प्यार किया। सेवकाई के दौरान अपने पिता को इच्छा को पूरा करने के बावजूद भी उसने बहुत ध्यान दिया। घर में बैठकर माता से बात करने के लिए टाइम नहीं है। वो जब क्रूस पर मर रहे थे उस वक्त अपने प्रिय एक प्यारा एक चेला के पास अपने माँ को सौंपने की बात को हम देख रहे हैं। इस मातृ का दिवस में विशेष करके अपने माँ को याद करते हुए परमेश्वर को हम धन्यवाद देना है। यशायाह 67 की 13 वचन में, जैसे माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। माता का हृदय कैसा रहता है मुझे देख लीजिएगा। हिंदू परिवार से मैं आया, बिस्तर पर मृत्यु की दशा में था। उस वक्त मेरी माता के आंसुओं और विश्वासों में मुझे अद्भुत काम मिला। जिस वक्त यीशु को नहीं जानते थे, मेरी माता ने यीशु करके उसको पुकारने के समय में अद्भुत काम हुआ। मुझे बिस्तर में से प्रभु ने उठाया है। सिर्फ मुझे माँ ने अपने चर्च में जाने के लिए अनुमति दी। सारे लोग नहीं है, सिर्फ मुझको। मैं चर्च वहां पर जाना था। मैं सेवक बन गया। उन दिनों में सब दुखें, तकलीफें, मुसीबतें जब कभी मुझको बहुत सताता था। मेरी माँ मुझसे कहने लगी, इतना दुख में, इतना मुसीबत में अभी तुम निराश हो जाओगे। अपने सारे मुसीबतों में यीशु को तुम पकड़ते रहना है। इस प्रकार मेरी माँ ने मुझे हियाव दी थी। मेरे शुरुआत के सेवकाय में बहुत बातों में मेरे साथ कोई नहीं था। मैं अकेले सेवा किया। अकेले सेवकाय करने के वक्त में बहुत दुख मुसीबत झेलने के समय में मेरी माँ यीशु को नहीं जानती थी, लेकिन यीशु पर बहुत प्यार करती थी। उसी वक्त मुझे शांति और सांत्वना दे के तसल्ली दी थी। ये सारी बातों में, मुसीबतों में तुमको विश्वास को ठिकाना करके बोलती थी। मुझे जो तसल्ली दी थी मैं उसको याद करता हूँ। उसके बाद मेरी माँ यीशु को जान ली और प्रार्थना करने लगी। मैं अमेरिका, कनाडा इस प्रकार के विदेश की सेवकाई करने के बाद बहुत लोग ये प्रार्थना करते हैं ना, सेवकाई में बड़े बड़े चमत्कार होना है। वो हमेशा यही कहा करती थी, तुम सुरक्षित घर लौटने के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। यही माँ का प्यार है। और लोग सेवकाई में अद्भुत काम होने के लिए, चमत्कार होने के लिए प्रार्थना करते थे। मेरी माँ कहने लगती थी, मेरा बेटा बहुत दूर यात्रा गया है, वो सुरक्षित लौटना है, प्रभु उनको सुरक्षित लाना है बोलती थी। यही माँ का प्यार है। औरों के प्यार में, माता के प्यार में यही अंतर है। जैसे माँ बेटों को तसल्ली देती है वैसे प्रभु भी हम सब लोगों को तसल्ली देंगे। उसी प्रकार प्रभु भी कभी कभी तसल्ली देते हैं। तुम क्यों दुखित है, क्यों रोता है? निराश होने समय वो तसल्ली देता है। मेरे आंसू को जब कभी मैं बहाता हूँ वो मुझे पूछता है, तुम जैसे डरते हो वैसे नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ। बहुत बार प्रभु ने मुझे तसल्ली देकर चलाने के चलते आज भी मैं प्रभु की सेवकाई करता हूँ। मेरे अति प्रियो, प्रभु अधिक प्यार करता है। आज के दिन में जैसे माँ का समान प्यार करने वाला यीशु को, इसलिए यीशु को आप धन्यवाद कहिएगा। दूसरा, अपने माता को भी स्मरण करो। प्यार को स्मरण करके धन्यवाद देना है। यदि आपका माँ अभी जिंदा नहीं है, उसके प्यार को याद करते हुए प्रभु को आप धन्यवाद दीजिए। अगर वो जिंदा है उनको आदर और सम्मान करते रहना। जब तक वो जिंदा रहेगी तभी हम उनसे ज्यादा प्यार कर सकते हैं। प्रभु ने मेरे माता की सेवा करने की अनुग्रह को मुझे बहुत दिया है, इसलिए मैं प्रभु का प्यार के लिए, प्रभु की बातों के लिए मैं धन्यवाद देते रहता हूँ। अपनी माता को ना भूलें, सीधा उनसे मिलिए, उनकी जरूरत को जान लीजिए, उनको खुशी दीजिए, उनको सांत्वना दीजिए, क्योंकि आपका लाइफ में बहुत खास भूमिका निभाई। परमेश्वर का प्यार, माता का प्यार करके जब बाइबल सिखलाती है, इसलिए माता के प्यार की बातों को हम सब लोग पूरा जानना चाहिए। माँ को तुच्छ नहीं जानना है, उनको दुखित नहीं करना है, उनको वेदना नहीं करना, उनके प्यार को तुच्छ नहीं जानना है। ऐसे किए होंगे तो उनसे जाके माफी मांग लीजिए। प्यारे खुदा, तू हमें माँ के समान रखे, हम सारे बातों को संभालता, इसलिए धन्यवाद हो। मेरे लिए दिया हुआ माता के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उनके द्वारा मुझे तसल्ली दिया है, प्यार दिया है, हिम्मत दिया है, धन्यवाद हो। इस प्रकार एक माँ को दिया है, धन्यवाद हो प्रभु।
प्रभु आज जो कोई अपनी माता के लिए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, वे प्रभु जी अपने जिंदे माँ को जाके देखने के लिए प्रभु उनको खुश कराने और उनके लिए जो भी सेवा करना है उसको करने के लिए इनको मदद कीजिए। प्रभु जी मेरे जीवन भर के सारे दिन में प्रभु जी उनके लिए पूरा सेवा करके उनके मन को ठंडा करने के लिए मदद कीजिए। प्रभु जो कोई प्रार्थना करते हैं उन सबको आशीष दीजिए। प्रभु जी इन सब माता बहनों को प्रभु जिन जिन की माँ जिंदा रहती है उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको लंबे हाय दें पिता। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मानता हूँ पिता, आमीन आमीन।